अब अगर वो ये कहें कि बदलाव नहीं होगा तो उनको कोई वोट नहीं दे। भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि तीसरी बार आएंगे हम, वो ये थोड़ा कहेगी कि हम तो बस दो बार आगे बहुत है। सरकार को प्रदेश में सीएम मनोहर लाल को भी 10 साल हो गए सर, उनके सानिध्य में किस तरीके की सरकार चल रही है, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए हरियाणा प्रदेश का गठन 56-57 साल पहले हुआ था, उससे पहले हरियाणा की कोई पहचान, हरियाणा का जो आज क्षेत्र है और इसमें बसने वाले जो लोग हैं इनकी कोई पहचान नहीं थी, सब कुछ पंजाब में ही सीमित था, पंजाब तक। तो एक नई जो पहचान मिली हरियाणा राज्य बनने के बाद, तो वो प्रगतिशील राज्यों में गिना जाता था उस वक्त, और सभी जिस जिसकी भी सरकारें रही, चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे उस समय के लोकदल की सरकार थी, और चाहे आज भाजपा की सरकार है, सबने प्रदेश की प्रगति के लिए काम बहुत कुछ किया। और ये भी सही बात है कि आज हम देश के जो विकसित राज्य हैं उनमें हमारी गिनती होती है, और उसमें योगदान काफी हद तक नई जो ये सरकार है इसका भी रहा। इसने कई नई चीजें हरियाणा के अंदर जो शुरू की हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रयोग या इस्तेमाल मैं कहूँ वो आईटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। उसके माध्यम से लोगों की बहुत सी ऐसी चीजें हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित हैं, चाहे नौकरियों की बदली से संबंधित हैं, चाहे नौकरियां लगाने से संबंधित हैं, इनमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई है वो एक नए अध्याय के रूप में है। लेकिन क्योंकि शुरुआती दौर है तो उसको जो उसका जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनको तकलीफ भी है, और मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूँ कि इसको ये जो शुरुआत है, इसको शुरुआती जो परेशानी लोगों को हो रही है उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन रखी जाए। जैसे किसी ने कोई फॉर्म भरा, अब वो सिलेक्ट भी हो गया, बाद में पता लगा कि जो फॉर्म में कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा टिक मार्क हो गया जो उस कैटेगरी में वो फॉल नहीं करता, तो उसका नुकसान तो उस बच्चे को हो गया ना जो सिलेक्शन के बाद इस चीज पे बाहर निकलना पड़ा उसको। तो इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से भी ये कई बार का कहना है कि जब तक पूर्ण तौर पे ज्ञान ना हो जाए सभी हरियाणा वासियों को, इस सुविधा के लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं जिससे कि कोई गलतियां हुई हो तो उनको ठीक कर लिया जाए। सर भाजपा का इतिहास रहा सर, वो निरंतर अभी 3-4 स्टेटों में उन्होंने सीएम कैंडिडेट नहीं उतारे, तो क्या हरियाणा में भी सीएम कैंडिडेट चेंज कर सकते हैं क्या कुछ? देखिए भाई, अब ये तो अलग बात है कि भाजपा का अपना एक कार्यशैली है कि वो कितने दिन कितने चीफ मिनिस्टर रखेगी, कितने साल रखेगी। अब देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 18 साल की चीफ मिनिस्ट्री के बाद चौहान साहब जो है, शिवराज चौहान, उनको मामा बोल के कहा कि अब आप मामा का काम करो। इसी तरीके से नई पीढ़ी के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का, जो मैं ये समझता हूँ कि ये किसी भी जो पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी बोलते हैं, जिसको रेजिमेंटेड पार्टी बोलते हैं, उसकी ये एक पहचान होती है कि वो किसी व्यक्ति विशेष से ज्यादा पार्टी के कार्डर को या पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको स्थान देती है। और अब ये पद्धति कहाँ तक सफल होगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन ये नई पद्धति है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है, कांग्रेस में व्यक्ति विशेष की भी पहचान है,
और व्यक्ति विशेष की पहचान, तो इसीलिए कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े लीडर भी पैदा हुए हैं। तो ये अलग अलग सोच है, इसी तरह की सोच लेफ्ट पार्टीज की भी है, वो भी कैडर बेस्ड है, यानी इंसान से ज्यादा, आदमी से ज्यादा वो अपने कैडर को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो देखो ये तो समय बताएगा सर, कौन सी पद्धति ठीक है। कांग्रेस द्वारा जन संदेश यात्रा निकाली जा रही है सर, प्रदेश में वो कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा, क्या लग रहा है सर कुछ? देखिए अब अगर वो ये कहें कि बदलाव नहीं होगा तो उनको कोई वोट नहीं दे, ये तो सब कहेंगे कि बदलाव होगा। आप पार्टी भी यही कह रही है कि बदलाव होगा, कांग्रेस भी कह रही है, और भी कोई पार्टी मैदान में उतरेगी वो भी कहेगी, और भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि तीसरी बार आएंगे हम, वो ये थोड़ा कहेगी कि हम तो बस दो बार आगे बहुत है। तो ये अपना अपना तरीका है अपनी पार्टी को लोगों के सामने एक मजबूत अल्टरनेटिव के तौर पे प्रस्तुत करने का।